नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यानी मंगलवार को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। आपको बताते चले कि मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। इसी बीच आपको बता दें कि इन दोनों की मुलाकात तो हुई लेकिन कुछ खास नतीजा सामने निकल कर नहीं आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिसकी उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। तो चलिए मुलाकात के दौरान क्या कुछ सामने से निकल कर आया, सारी जानकारी देते हैं विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की लेकिन इस मुलाकात का नतीजा मन के लायक नहीं निकला। सीएम नवीन पटनायक ने इसके बाद नीतीश कुमार से लंबी बातचीत की। इस दौरान मंत्री संजय झा और ललन सिंह दोनों ही नीतीश के साथ मौजूद थे। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और नवीन पटनायक ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने बताया कि हम लोगों का पुराना रिश्ता है। विपक्षी एकजुटता में सीएम नवीन पटनायक ने शामिल होने की हामी भरी। पटनायक उनके साथ विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं लेकिन जब सीएम नवीन पटनायक ने प्रेस के सामने बोलना शुरू किया तो मामला ही पलट गया। नवीन पटनायक ने कहा कि हम पुराने दोस्त हैं, किसी भी तरह के गठबंधन के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है। मतलब इस पूरी कवायद का कुल जमा यही निकला कि नीतीश ने नवीन पटनायक से मुलाकात तो कर ली लेकिन हाँ सिर्फ दोस्ती यारी तक ही रही, गठबंधन को पटनायक ने ना कर दिया। We're old friends and colleagues ever since the time we served in Mr. Vajpayee's cabinet. We had discussions for land in Puri, 1.5 acres to be given to the Bihar government for the many tourists and pilgrims to visit the temple of Lord Jagannath. Sir, in the national media, wherever Nitish Kumar goes, they talk about the opposition unity at up the 2024 poll. Was there any discussion today? Please go on. Ours is an old friendship, as I've said, and we've also been colleagues many years ago. No discussions were held about any alliances today. Thank you. Thank you very much. का आज का नहीं रिश्ता है और इनके पिताजी का से जो संबंध और उसके बाद ये आए और इनसे संबंध सब आपको बता रहे हैं कितना है और बराबर हम यहाँ आते थे। आप में से बहुत लोगों को याद होगा लेकिन जब से कोरोना हुआ तब 20 में एक मीटिंग पे आए, उसके बाद आ नहीं पाए। इच्छा थी कि बिल ले और फिर हमारे लोग कह दिए कहीं भी है कि यहाँ पर इतना लोग आता है टूरिस्ट देखने के लिए, तब पहले से बात हो गई थी तो आज तय कर दिए कि नहीं ठीक है। सर, यानी पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन उनका सब पुराना रिश्ता है। आप तो पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए, संबंध इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए बाकी लोगों के साथ तुलना में मत रखिए। देखिए बात तो आप जान लीजिए ना कि किसी को भी सजा होती है, जेल होता है, उसके बाद उसको रिहाई होती है, तो उसको तो पूरी सजा हो ही गई। लेकिन उसमें जो था, और आप लोग एक बार जरा सर जान लीजिए, केंद्र सरकार ने जो नियम 16 में बनाया उसमें कोई भी IAS वाले का भी उस पर होने पर नहीं पूछे। हम लोगों के यहाँ पहले से कुछ था,
अब बाद में उसको खत्म कर दिया गया तो उसको जब पूरा टाइम पूरा हुआ पूरा हो गया है नहीं। देखिए हम लोगों की तरफ से जो किया गया अर्पित और कहीं कौन तो पूरे देश का ना पता करना चाहिए ना किसी एक आदमी के बारे में क्यों सोचते हैं। कोई भी गरीब गुरबा तबका हो किसी का भी हो किसी का कोई मर्डर होता है तो उसको जो सजा मिलती है वो आजीवन तो उसके बाद तो हो जाता है ना भाई 40 साल के बाद ये सब का तो और बहुत ज्यादा है। कुल मिला के कुल मिलाकर तो उसको 20 साल माना जाता है। उसको बीच बीच में ही इनसे ही होने लगता है कि भाई इतना हो गया इसका अच्छा काम किया तो उससे गलत बात है। इसीलिए उस पर हम लोग को नहीं कुछ कहना है। अब कोई कोर्ट में गया तो कोर्ट फैसला करे जो करना। नीतीश जी सर ओपोजिशन में जो ओपोजिशन पार्टी का बयान कर रहे हैं उसमें नवीन जी को आपने इनवाइट किया है। अरे आप चलिए ये सब बात क्या के लिए सोच रहे हैं। अभी बहुत जब होगा अब क्या होगा तब उस समय जानिएगा। आपका दल से एक रिलीज किया गया है सर। आप बोल रहे हैं कई बार आई वांट टू रिपीट अगेन द लैंड इन पुरी is being given free of cost to the Bihar government to build Bihar township. तो मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा और सीएम नवीन पटनायक ने क्या कहा ये सारी जानकारी दी मैंने आपको इस रिपोर्ट में। तो फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।